न्यूरोलॉजिस्ट नाजुकपुरी एंड आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जिनका किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को जन्म हुआ है कि इन लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। जो सबसे पहले चीज जो इन लोगों को ध्यान में रखनी है वो है लेजीनेस। बहुत आलसी हैं ये लोग, तो अपनी इस आदत को थोड़ा सा दूर भगाएं और साथ के साथ अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाएं। इन लोगों की एक और चीज जो बहुत ध्यान में रखने वाली है वो है कि ये लोग बैक बिचिंग, बैक बाइटिंग बहुत करते हैं एंड जिसके कारण ये अपनी ज्यादातर एनर्जी वेस्ट कर देते हैं लोगों की चुगलियां करने में या उनसे रिवेंज लेने में या उनके बारे में सोचने में, तो जो काफी हद तक गलत है। तो इनको हैव टू लर्न टू जज पीपल बिफोर ट्रस्टिंग देम, क्योंकि आप लोगों पर बहुत जल्दी ही ट्रस्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद ज्यादातर आपको लोग धोखा ही देते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में। तो किसी पे भी विश्वास करने से पहले उनको जज कीजिए कि ये आपके रिश्ते के काबिल है भी है कि नहीं है। इसके अलावा जिस चीज का आपको और ध्यान रखना है वो है कि 6, 15 और 24 को पैदा हुए लोग बहुत जल्दी किसी दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, और अगर आप किसी पार्टनरशिप में भी जाते हैं तो बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, फाइनेंशियली और फिजिकली दोनों। हो सके आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपकी बहुत गंदी आदत है बिना बात पे नैग करना और बिना बात पे आर्ग्यूमेंट्स करना, जिसके कारण अपने आप खो देते हैं और दिमाग खराब कर लेते हैं। तो इस चीज को अवॉइड कीजिए और स्लोली स्लोली काम कीजिए। आप जब भी जल्दी रश में काम करते हैं या तो आपका प्रोजेक्ट खराब होता है या नेगेटिव ऑरा क्रिएट होता है आपके आसपास और उसके बाद आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, जबकि असल में आप ही हैं जो सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज का भर आप अपने अंदर ये हैबिट डालें कि आप लोगों को माफ कर दें और किसी के साथ रिवेंज या किसी को बुरा ना बोलें, तो आपकी लाइफ पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों अच्छी हो सकती है। अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करिए, थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में चलिए और हो सके अपने हार्ड टाइम्स के लिए पैसा बचाइए, क्योंकि आप लेविशली पैसा स्पेंड करते हैं जिसके कारण आपको अगले इंसान के आगे बैक भी करना पड़ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, पैसा बेफालतू मत खर्चिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड गेटिंग इमोशनल और अनड्यू इम्पोर्टेंस किसी भी इंसान को मत दीजिए जो उसके काबिल नहीं है एंड अपना ध्यान रखें। अगर आपके आसपास कोई भी 6, 15 या 24 को पैदा हुए लोग हैं तो उनसे ये वीडियो शेयर जरूर करें सो दैट ये इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख पाए और अपनी लाइफ स्मूथ और हैप्पी कर सके, क्योंकि सोचते बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप आने वाली वीडियोस में क्या क्या चाहते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। सायनारा।